हेलो भाई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर टू हमारा चल रहा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यहाँ पर हमने दो तीन पार्टी डिस्कस कर ली हैं। अब हमारी फोर्थ पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसका सिंपल सा नाम है समाजवादी पार्टी। सोशलिस्ट मतलब होते हैं समाजवादी, ठीक है, या सिंपल सा नाम है सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये इसका सिंबल है सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है ये है जनता पार्टी का। जनता पार्टी का नाम आप सुनते आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ जनता पार्टी, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा करूँगा चैप्टर के एंड में। तो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये इसका फ्लैग है या कह सकते हैं सिंबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। द ओरिजिन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। अब देखो, आज़ादी से पहले देश में जो मास मूवमेंट था, ठीक है, जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी से पहले, जो आंदोलन चल रहा था जन आंदोलन जो था, मास मूवमेंट का मतलब है जन आंदोलन, जिसमें मतलब देश के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उस आंदोलन को लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तभी से इसका जन्म होता है किसका, सोशलिस्ट पार्टी का। ऐसा नहीं है कि ये एकदम आ गई, मतलब जब आज़ादी का जब टाइम चल रहा था, मतलब आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, उसी टाइम से हम मान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, वहीं से इसकी जड़ें मतलब मिलती हैं। दस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934 बाय ए ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड टू मोर रेडिकल एंड इगेलिटेरियन कांग्रेस। अब देखो, कांग्रेस के अंदर ही कुछ मेंबर थे, कुछ लीडर थे, तो कुछ यंग लीडर्स निकल के आते। अब ध्यान रखना, सबसे पहले बनती है हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP बनती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, 1934 में। तो कांग्रेस के अंदर कुछ यंग लीडर्स थे और ये यंग लीडर्स ये चाहते थे कि हमारी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चेंज लेके आए, और इगेलिटेरियन का मतलब होता है जो इक्वलिटी पर आधारित हो। तो कांग्रेस हमारी कैसी हो, समतावादी होनी चाहिए। इगेलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी, जो इक्वलिटी पर आधारित हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ये कांग्रेस के भीतर ही कुछ यंग लीडर्स थे जिनका मानना था कि कांग्रेस इगेलिटेरियन होनी चाहिए, इक्वलिटी पर आधारित होनी चाहिए, मोर रेडिकल, जो ज़्यादा जल्दी और रिफॉर्म्स लेके आए ऐसी होनी चाहिए, बदलाव लेके आए ऐसी होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कांग्रेस के भीतर ये ग्रुप बना दिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी, कांग्रेस के जो साथ में जुड़े हुए कुछ लीडर्स थे उन्होंने इसको बनाया था। किस किस ने बनाया था, तो CSP मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, इसको फाउंड किया था जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने मतलब इसको फाउंड किया था, किसको, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर 1948 में, अब ध्यान रखना, अब 1948 में कांग्रेस ने एक सुधार किया। क्या सुधार किया उन्होंने, मतलब एक वो लेके आ गए, एक प्रस्ताव लेके आ गए अपने। अब देखो, यहाँ पे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की जा रही है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो 1948 में कांग्रेस ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज किया, और ये इसलिए किया था कि ताकि कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो डबल मेंबरशिप ना ले सकें। क्या ना ले सकें, डबल मेंबरशिप ना ले सकें। देखो, इन 1948 कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग ए डुअल पार्टी मेंबरशिप। डुअल पार्टी मतलब या तो कांग्रेस में रहेंगे या किसी दूसरी पार्टी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी के मेंबर भी रहें और कांग्रेस के मेंबर भी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कांग्रेस का खुद का, हर पार्टी का अपना सिद्धांत होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है, एक किताब होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने नीतियों में बदलाव कर दिया और कह दिया कि कोई भी मेंबर डबल मेंबरशिप अब नहीं ले सकता। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी 1948। अब सिंपल सी बात है, इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट जो लीडर्स थे, उन लीडर्स को मजबूरी में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी 1948 में। तो जब ये सुधार लाया गया था, कौन सा सुधार लाया गया था, कि भाई कोई भी मेंबर डबल पार्टी मेंबरशिप नहीं रख सकता, तो इसके लिए जो सोशलिस्ट थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अलग से सोशलिस्ट पार्टी बना दी। तो ध्यान रखना, 1934 में ये वाली पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब 1948 में, अब वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वो तो कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, 1948 में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब पार्टी बन के आ गई है सोशलिस्ट पार्टी। तो ध्यान रखना, 1948 में बन जाती है सोशलिस्ट पार्टी।
द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब देखो, जब चुनाव ना हुए थे तो चुनाव के दौरान सोशलिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस इसके सोशलिस्ट पार्टी के जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उनको बस निराशा हाथ लगी, मतलब निराश हुए। या हम कह सकते हैं इनकी जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, मतलब जो चुनाव हुए थे, चुनावी नतीजे बहुत ख़राब थे इनके लिए, बहुत ज़्यादा ये सीट लेके नहीं आते हैं। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी, हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में इसकी प्रेजेंस हुआ करती थी, सभी जगह पर इसकी प्रेजेंस थी, मगर पार्टी को कहीं कहीं पर ही इसको विजय हासिल होती है, हर जगह पर इनको जीत नहीं मिली। द सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच डिस्टिंग्विश्ड देम फ्रॉम बोथ कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम कम्युनिस्ट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवादी लोकतंत्रवाद। तो ये जो विचारधारा है, समाजवादी मतलब सोशलिज्म भी हो और डेमोक्रेसी भी हो, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हम सोशलिज्म को लागू कर सकते हैं। सोशलिज्म मतलब जो सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, समाज में इक्वलिटी ला सकते हैं और जो इनइक्वलिटी है उसको दूर कर सकते हैं। एक तो सोशलिज्म कहाँ पर होता है, जैसे मान लो रशिया वाला सिस्टम था, यूएसएसआर वाला जो सिस्टम था वहाँ पर था, तो वहाँ पर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उसको डेमोक्रेसी नहीं है, पर वहाँ पर सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के साथ साथ भी सोशलिज्म को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से ही अलग है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, ये हमेशा कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते रहते थे, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करते रहते थे कि कांग्रेस जो है ये कैपिटलिस्ट लोग उनको बोलते हैं, पूंजीवादियों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये जो पूंजीवादी लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, तो कांग्रेस ये कहते थे, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स कहते थे कि कांग्रेस हमेशा पूंजीवादियों की और जमींदारों की क्या करती है, पक्ष लेती रहती है, और ये हमेशा इग्नोर करती है वर्कर्स और पीजेंट्स को, ये मजदूरों और किसानों को हमेशा क्या करती रहती है, ये इग्नोर करती रहती है, उपेक्षा करती रहती है, मतलब वर्कर्स और पीजेंट्स पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों पर ध्यान देती है, ऐसा आरोप लगाते रहते थे, ऐसा क्रिटिसाइज करते रहते थे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर। अब इनको धक्का लगता है। अब इनको धक्का कैसे लगेगा, देखो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस एक नई पॉलिसी लेके आती है, बट द सोशलिस्ट फेस्ड ए डिलेमा व्हेन इन 1955 कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। इनको सबसे ज़्यादा दुविधा जब होती है, डिलेमा का मतलब है दुविधा, संकट, परेशानी, तो समाजवादी जो सोशलिस्ट थे, इनको दुविधा का सामना तब करना पड़ा जब कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी, कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका लक्ष्य भी कैसा होगा, एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सोशलिस्ट पैटर्न पर आधारित हो, समाजवाद पर आधारित हो। सोशलिस्ट आप समझ रहे हो ना, जो वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोशलिस्ट जो मतलब कल्चर होता है, सोशलिस्ट जो पैटर्न होता है, सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, समाज के हर वर्ग पर ध्यान देती हैं, सोसाइटी के एवरी सेक्शन पर ध्यान देती हैं। तो कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि ये भी क्या करेंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सोशलिस्टिक हो, समाजवादी हो। अब सोचो, सोशलिस्ट पार्टी इसीलिए मतलब अलग हुई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, कांग्रेस ने अपने गोल में सोशलिस्ट पैटर्न को डाल दिया, तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू प्रेजेंट देमसेल्व एज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द कांग्रेस। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब ये यूँ नहीं कह सकते कि हम मतलब कांग्रेस का विकल्प हैं, क्यों, क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो इन्होंने कांग्रेस ने अपना गोल बना लिया। तो अब ये इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये कैसी पड़ जाती है, ये सोशलिस्ट पार्टी थी, ये अब कैसी पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है। फिर भी Some of them led by Ram Manohar Lohia increased their distance from and criticism of the Congress party। इनमें से कुछ लीडर थे जैसे राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया के साथ जो मतलब सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी डिस्टेंस बढ़ा ली कांग्रेस पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बढ़ा ली और कांग्रेस को ये क्रिटिसाइज करने लगे, कांग्रेस की आलोचना करने लगे। मगर सम अदर्स लाइक अशोक मेहता एडवोकेटेड ए लिमिटेड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस। अब इनमें से कुछ मतलब जो लोग थे, मेंबर्स थे, जिनको लीड कर रहे थे अशोक मेहता, तो इनका अशोक मेहता का मानना था कि हम कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया क्या कह रहे थे कि भाई हम कांग्रेस, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से दूरी बना ली और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लग गए, जबकि अशोक मेहता ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं।
द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। अब इस समाजवादी पार्टी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कई बार इसमें स्प्लिट्स हो जाते हैं। स्प्लिट्स का मतलब होता है कई बार ये पार्टी टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और कई सारे रीयूनियन आपको देखने को मिलेंगे, कई टुकड़े आपस में मिल जाते हैं, नई पार्टी बना लेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जो छोटे छोटे जो टुकड़े बने थे बाद में फिर रीयूनाइट हो गए, तो इनमें एक है किसान मजदूर प्रजात पार्टी, दूसरी है द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो ये तीनों पार्टी जो हैं ये किससे निकल के आई हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के आई हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये अपने बुक में नहीं है बट आपको जस्ट मैं बता देता हूँ आइडिया के लिए। 1951 में बनी थी, 1952 में डिजॉल्व हो गई, मतलब खत्म हो गई, मिल गई किसी दूसरी पार्टी के साथ। एक्चुअली ये मिल किसके साथ जाती है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी 1951 में बनी थी और 1952 में ये मर्ज हो जाती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, ठीक है, एक साल बस। लीडर कौन था इसका, जीवत राम कृपलानी। फाउंडर भी कौन है, जीवत राम कृपलानी। अलग कहाँ से हुई थी ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होगी। मर्ज किस में हो जाती है, मर्ज हो जाती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, और इनकी आइडियोलॉजी थी एग्रेरियनिज्म और सोशलिज्म, मतलब एक तो खेती जो एग्रीकल्चर है उस पर ध्यान दिया जाए और सोशलिज्म पर ध्यान दिया जाए। अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसके लीडर हैं जयप्रकाश नारायण, सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, आचार्य नरेंद्र देव, बसवाओं सिंह सिन्हा और युगल किशोर पाठक, हरिप्रसाद सिंह, जे वी कृपलानी, ये सब इसके क्या हैं, लीडर हैं। इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1952 में और ये डिजोल्व हो जाती है 1972 में। ये पार्टी भी क्या हो जाती है, डिजोल्व मतलब खत्म हो जाती है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो उसके लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, ये हैं जॉर्ज फर्नांडिस, ये हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर। ये पार्टी बनी थी 1964 में, ध्यान रखना, और 1972 में ये भी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ये अलग किस्म से हुई थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये वाली जो पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसी में से अलग होकर बन जाती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और फिर इसके बाद इसको सक्सीड कौन करता है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और या सोशलिस्ट पार्टी ये, और इसकी आइडियोलॉजी भी कैसी थी, सोशलिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है गूगल पर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी वाज ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फ्रॉम 1964 टू 1972। तो ध्यान रखना ये 1964 से 1972 के बीच में रहती है। SSP यही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसको, SSP वाज फॉर्म थ्रू द स्प्लिट इन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन 1964। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है 1964 में और उसी में से बन जाती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। SSP रीयूनाइटेड विद PSP फॉर्मिंग सोशलिस्ट पार्टी, फिर दोबारा से ये किस में मिल जाती है, PSP में मिल जाती है, मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में दोबारा से मिल जाती है और फिर बना लेते हैं ये सोशलिस्ट पार्टी। तो ध्यान रखना संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो थी इसके जो लीडर थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, और ये बनी कब थी, 1964 में, डिजॉल्व 1972। अच्छा, सोशलिस्ट पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर दे रखें, एक हैं हमारे जयप्रकाश नारायण, ये हैं अच्युत पटवर्धन, ये हैं अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, SM जोशी, ये इनके मेन मेन लीडर्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, और ये हैं अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, SM जोशी, ये हैं इनके मेन मेन लीडर्स, ठीक है। मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ट्रेसेस देयर ओरिजिन टू सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में बहुत सारी पार्टी हैं, आज कंटेम्प्रेरी का मतलब है आज की डेट जो है, अभी की बात करें तो अभी जैसे मतलब समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, ये जो पार्टी है ना, इन सब का जो इनकी मेन पार्टी है कहाँ से निकल के आई है, ये सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के आई है, या इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी पर ही आधारित हैं। तो ये ध्यान रखना इनकी पेरेंट पार्टी कौन सी है, सोशलिस्ट पार्टी। जैसे मैंने बताया था ना BJP किससे निकल के आई थी, भारतीय जनसंघ से निकल के आई थी, ऐसे ये जितने भी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड, चाहे जनता दल सेकुलर, ये कहाँ से निकल के आई, ये सब सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के आई है। अच्छा ध्यान रखना ये जो सोशलिस्ट पार्टी ये मर्ज हो जाती है जनता पार्टी में 1977 में, 1977 में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और जनता पार्टी जो थी ये एक प्रकार का मतलब कॉलिजन था कई सारी पार्टीज का जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ था। अच्छा अब जनता दल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जनता दल को शॉर्ट में जनता पार्टी को सॉरी जनता दल नहीं जनता पार्टी को शॉर्ट में JP बोलते हैं। इसके फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण और ये बनी थी 23 जनवरी 1977 को, ठीक है। और ये इसमें मर्ज कौन कौन सी हुई थी, एक तो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ कांग्रेस से कुछ मेंबर्स निकल के आ गए थे, एक
इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो वो मेंबर्स इसमें जुड़ जाते हैं। और भारतीय लोकदल और भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टी मिलकर बनाती है जनता पार्टी। फिर जब ये डिजोल्व हो जाती है तो इसी में से बन जाती है जनता पार्टी, सेकुलर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। ये फिर इसमें से पार्टी जब ये 1979 में डिजोल्व हो जाएगी तब ये पार्टी बनने लगेंगी, ठीक है, बाद में। तो बस इतना ही इसके बारे में। बाकी हमारी जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी जो ख़त्म हुई, एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में देखेंगे जो मैक्सिको की है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।